हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका SIIT ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, इससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपना आपके लिए बनाया था, जिसमें मैंने ओ लेवल का जो पहला पेपर होता है M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, उसके मैंने डिस्क्रिप्टिव 19 क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए थे। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अब इनके साल्व क्वेश्चन भी आपके सामने दूंगा, तो आज मैंने अपना उसी के ही वास्ते ये वीडियो बनाया हुआ है। तो बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप हिंदी में भी अगर लिखना चाहते हैं उसका जवाब, तो कैसे लिखेंगे वो भी मटेरियल में दे रहा हूँ। और जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखने का प्लान कर रहे हैं उसे इंग्लिश में भी दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने अपने अनुभव से और पीछे के जो ओ लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं M1 के, उनके क्वेश्चन पेपर को ट्रेस करके मैंने आपको 19 क्वेश्चंस कल के वीडियो में दिया था। उसी वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं हर क्वेश्चंस को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ और आपको एक कंटेंट भी देने वाला हूँ कि उसके जवाब में अगर आप हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या होना चाहिए। तो खासकर जो कैंडिडेट हिंदी में आंसर लिखना चाहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, मटेरियल्स उनको नहीं मिल पाता है। खैर, तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको अंतर लिखना है और इसके दो उदाहरण आपको देने हैं। अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा जो यहाँ दिख रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताएं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दें। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश में प्लान कर रहे हैं लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन्स द सिस्टम रिसोर्सेस एंड गिव्स द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन। इट इज ए जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आता है। उदाहरण की अगर बात की जाए तो मैंने आपको उदाहरण कुछ ज़्यादा ही दिए हैं। आप उदाहरण में कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर के बारे में दे सकते हैं। तो आगे आपको लिखना होता है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, ड्राइवर एटसेट्रा। अब अगर कोई स्टूडेंट इसी को हिंदी में लिखने का प्लान कर रहा हो, तो हिंदी में कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बीच इंटरफेस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए निम्न स्तर की भाषाओं का उपयोग किया जाता है। निम्न स्तर का मतलब लो लेवल लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम संसाधनों को बनाए रखता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने का मार्ग देता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम नहीं चल सकता है, या एक समान प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए उदाहरण कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, ड्राइवर आदि हैं। तो यह आपका पहला वाला क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर आप लिखने का प्लान कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट। इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट्स ए स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन। ऑन द अदर हैंड विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑलवेज रन्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर एटसेट्रा।
तो ये आपका हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें कि इसे अगर हिंदी में लिखने का प्लान होगा तो कैसे लिखेंगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के अनुरोध के अनुसार चलता है। ये प्लेटफॉर्म पर चलता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मुख्य अंतर यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम नहीं चल सकता, दूसरी ओर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम हमेशा चलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर आदि हैं। तो ये आपका हो जाता है पहला वाला क्वेश्चन। अब मैंने ऐसे ही आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि ड्रा ए इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का आंतरिक आरेख माने ब्लॉक डायग्राम बनाइए और विभिन्न घटकों माने सारे जो पार्ट्स हैं उन घटकों के अनुप्रयोग को संक्षेप में समझाइए। तो इसका जवाब अगर आप दे रहे हो तो सबसे पहले तो आपको एक ब्लॉक डायग्राम जस्ट लाइक ऐसे बनाना होगा। इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि आपका कंप्यूटर का फंक्शनैलिटी कैसे होता है। तो इसमें पहले इनपुट होगा, फिर स्टोरेज यूनिट को जाएगा, स्टोरेज से कंट्रोल यूनिट ALU यानी CPU को जाएगा, और देन इसी से ही आपका फिर आउटपुट को जाएगा। तो पहले तो आप चाहे हिंदी में लिखने का प्लान कर रहे हो चाहे इंग्लिश में, आपको ऐसे ड्रा करना होगा एक ब्लॉक डायग्राम। अब आपको सारे कंपोनेंट्स का एप्लीकेशन बताना है माने उनका जॉब रोल बताना है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। जो कैंडिडेट हिंदी में लिखना चाहेंगे वो हिंदी वाले को फोकस करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम मेरे परिश्रम के रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर लीजिए। तो देखिए यहाँ इनपुट के बारे में लिखा गया है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इन टू द कंप्यूटर सिस्टम, हिंदी में लिखेंगे, या कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया है। अभी बात करेंगे स्टोरेज यूनिट के बारे में। तो स्टोरेज यूनिट में आपको लिखना होगा द पर्पस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। डेटा हैज टू बी फेड इनटू द सिस्टम बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। इट इज बिकॉज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सो फास्ट दैट द डेटा हैज टू बी प्रोवाइडेड टू CPU विद द सेम स्पीड। देयरफॉर द डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट फॉर फास्टर एक्सेस एंड प्रोसेसिंग। दिस स्टोरेज यूनिट और द प्राइमरी स्टोरेज रैम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइन टू डू द अबव फंक्शनैलिटी। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब अगर इसी को हिंदी में लिख रहे हो आप तो ऐसे लिख सकते हो, डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से सहेजने की प्रक्रिया को स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। वास्तविक प्रसंस्करण शुरू होने से पहले डेटा को सिस्टम में फीड किया जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU की प्रोसेसिंग स्पीड इतनी तेज होती है कि CPU को उसी स्पीड से डेटा देना पड़ता है। इसलिए डेटा को पहले स्टोरेज यूनिट में तेजी से एक्सेस और प्रोसेसिंग के लिए स्टोर किया जाता है, या स्टोरेज यूनिट या कंप्यूटर सिस्टम का प्राइमरी स्टोरेज रैम उपरोक्त कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, या डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए स्थान प्रदान करता है। अब आपको लिखना होगा प्रोसेसिंग के बारे में, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट एंड मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवेन एंड द टाइप डेटा प्रोवाइडेड। इट इज देन सेंट बैक टू द स्टोरेज यूनिट। अब अगर आप इसे हिंदी में लिख रहे हो, अंक गणित
और तार्किक संचालन जैसे संचालन करने के कार को प्रसंस्करण कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट स्टोरेज यूनिट से डेटा और निर्देश लेता है और दिए गए निर्देशों और प्रदान किए गए डेटा के प्रकार के आधार पर सभी प्रकार की गणना करता है, फिर इसे स्टोरेज यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। अब आगे आपको लिखना होगा कंट्रोल यूनिट के बारे में, तो इंग्लिश में अगर आप लिख रहे होंगे द मैनर हाउ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एंड द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस लाइक इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल यूनिट इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। अब अगर हिंदी की बात हो रही है, निर्देश कैसे निष्पादित किए जाते हैं और उपरोक्त संचालन कैसे किए जाते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जैसे सभी कार्यों का नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर सभी कार्यों के चरण दर चरण प्रसंस्करण का ख्याल रखता है। अभी आपको ALU के बारे में इंग्लिश में लिखना है। लॉजिकल यूनिट आफ्टर यू इंटर डेटा थ्रू द इनपुट डिवाइस इट इज स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म बाई ALU द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म बाई द ALU आर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लॉजिकल एंड कंप्रेशन डेटा इज ट्रांसफर्ड टू ALU फ्रॉम स्टोरेज यूनिट व्हेन रिक्वायर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज रिटर्न बैक टू स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और गेटिंग स्टोर्ड। अभी हिंदी की अगर बात करी जाए, इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा दर्ज करने के बाद इसे प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जाता है। डेटा और निर्देश का वास्तविक प्रसंस्करण अंक गणित तार्किक इकाई द्वारा किया जाता है। ALU द्वारा किए जाने वाले प्रमुख ऑपरेशन जोड़ घटाओ गुणा भाग तर्क और तुलना है। आवश्यकता पड़ने पर डेटा को स्टोरेज यूनिट से ALU में ट्रांसफर किया जाता है। प्रसंस्करण के बाद आउटपुट को आगे की प्रक्रिया या संग्रहित करने के लिए भंडारण इकाई में वापस कर दिया जाता है। CPU के बारे में फिर आप इंग्लिश में लिखेंगे द ALU एंड द CU ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर ज्वाइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यू मे कॉल CPU एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। इट इज जस्ट लाइक ब्रेन दैट टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशन एंड डायरेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर फंक्शंस बाई एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस। अभी हिंदी में अगर लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के ALU और CU को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में आना आता है। CPU को आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कह सकते हैं या मस्तिष्क की तरह ही है जो सभी प्रमुख निर्णय लेता है, सही प्रकार की गणना करता है और संचालन को सक्रिय और नियंत्रित करके कंप्यूटर के विभिन्न भागों को निर्देशित करता है। लास्ट में आपको आउटपुट के बारे में लिखना होगा। This is the process of producing results from the data for getting useful information. हिंदी में लिखना है अगर तो ये हो जाएगा आउटपुट के बारे में या उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब हो आता है। अभी तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको गेस दिया था कि रैम रोम और कैश मेमोरी के बारे में आपको डिफाइन करना है। हिंदी में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे आएगा रैम रोम और कैश मेमोरी को परिभाषित करिए। तो पहले चलिए रैम के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए हाई स्पीड कंपोनेंट इन डिवाइसेस दैट टेंपरेरली स्टोर्स ऑल इंफॉर्मेशन ए डिवाइस नीड्स फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट्स ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड मीनिंग एनी बाइट ऑफ मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड विदाउट टचिंग द प्रीसीडिंग बाइट्स। अगर हिंदी में आप लिख रहे हो रैंडम एक्सेस मेमोरी उपकरणों में एक उच्च गति वाला घटक है जो वर्तमान और भविष्य के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है या एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे बेतरतीब ढंग से एक्सेस किया जाता है, माने रैंडम, जिसका अर्थ है कि मेमोरी के किसी भी बाइट को पूर्ववर्ती बाइट्स को छुए बिना एक्सेस किया जा सकता है। रैम दो प्रकार का होता है, टाइप ऑफ रैम। इंग्लिश में लिखेंगे पहले कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रैम दैट कंस्ट्रक्ट इन बोथ परफॉर्मेंस एंड प्राइस रेंज। पहला है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी माने SRAM, ए मेमोरी चिप दैट इज फास्टर एंड यूजेस लेस पावर देन DRAM,
दूसरा है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी माने DRAM, ए मेमोरी चिप दैट कैन होल्ड मोर डेटा देन एन SRAM चिप बट रिक्वायर्स मोर पावर। अभी अगर आप इसे हिंदी में लिख रहे हो, रैम के दो मुख्य प्रकार हैं जो प्रदर्शन और मूल के सीमा दोनों में विपरीत हैं। पहला स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक मेमोरी चिप है जो तेज गति की होती है और DRAM का तुलना में कम पावर का उपयोग करती है। दूसरा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में लिखेंगे, यह एक मेमोरी चिप है जो SRAM चिप की तुलना में अधिक डेटा धारण कर सकती है, लेकिन इसके लिए अधिक पावर की आवश्यकता होती है। अभी अगर आप ROM को लिख रहे हो इंग्लिश में, ROM which stands for read only memory is a memory device or storage medium that stores information permanently. It is also the primary memory unit of a computer along with the random access memory. It is called read only memory as we can only read the programs and data stored on it but cannot write on it. It is restricted to reading words that are permanently stored within the unit. The manufacturer of ROM fills the programs into the ROM at the time of manufacturing the ROM. After this, the content of ROM cannot be altered, which means you cannot reprogram, rewrite, or erase its contents later. However, there are some types of ROM where you can modify the data. अभी अगर हिंदी में अगर आप लिख रहे होगे तो ऐसे कुछ लिख सकते हो, ROM जो केवल पढ़ने के लिए मेमोरी के लिए खड़ा है, एक मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज माध्यम है जो सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ साथ कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यूनिट भी है, इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि हम केवल उस पर संग्रहित प्रोग्राम और डेटा को पढ़ सकते हैं लेकिन उस पर लिख नहीं सकते हैं, या उन शब्दों को पढ़ने तक ही सीमित है जो इकाई के भीतर स्थायी रूप से संग्रहित है। ROM का निर्माता ROM के निर्माण के समय ROM में प्रोग्राम भरता है, इसके बाद ROM की सामग्री को बदला नहीं जा सकता है, जिसका अर्थ है कि आप बाद में इसकी सामग्री को फिर से प्रोग्राम पुनरेखन या मिटा नहीं सकते। हालांकि कुछ प्रकार के ROM हैं जहां आप डेटा को संशोधित कर सकते हैं। अभी अगर आप कैच मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो कैच मेमोरी इज ए हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी रैम फुल स्टॉप। द सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी सो इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज विथ हाई स्पीड सीपीयू एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। कैच मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस बाई सीपीयू, इट कैन बी ए रिजर्व पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी और a storage device outside the CPU. It holds the data and program which are frequently used by the CPU, so it makes sure that the data is instantly available for CPU whenever the CPU needs this data. अब अगर आप इसे कैश मेमोरी को हिंदी में लिख रहे होंगे तो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो आकार में छोटी होती है लेकिन मुख्य मेमोरी रैम से तेज है। सीपीयू से प्राथमिक मेमोरी की तुलना में अधिक तेजी से एक्सेस कर सकता है, जो इसका उपयोग हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी को केवल सीपीयू द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, या सीपीयू के बाहर मुख्य मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का एक आरक्षित हिस्सा हो सकता है, या डेटा और प्रोग्राम रखता है जो अक्सर सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि जब भी सीपीयू को इस डेटा की आवश्यकता हो तो डेटा तुरंत सीपीयू के लिए उपलब्ध हो। तो यह हमारा तीसरा क्वेश्चन था जिसके बारे में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में अवगत कराया। तो दोस्तों मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे उन्हें भी ओ लेवल या ए लेवल के एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। और आपने अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा नंबर 4 क्वेश्चन है। तो देखिए आगे के क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। अभी शुरुआत के जो क्वेश्चंस आए उनमें पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखा, फिर ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखा, फिर रैम रोम। तो आप सोच रहे होंगे तो ये तो हम जानते ही हैं, पर आपको पता होगा संभवतः कि आपका ओ लेवल का M1 का सिलेबस चेंज है।
तो उसमें कुछ नए सब्जेक्ट ऐड ऑन किए गए हैं जिनके क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलने वाले हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि कंपेयर कंपाइलर इंटरप्रिटर एंड असेंबलर, यानी कंपाइलर और इंटरप्रिटर और असेंबलर का आपको तुलना करना है। तो इसमें पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। कंपाइलर, ए कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज द सिंटैक्स रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कन्वर्ट ए सोर्स कोड टू मशीन कोड। इट कैन नॉट फिक्स एनी एरर इफ प्रेजेंट इन प्रोग्राम। इट जनरेट्स एन एरर मैसेज एंड यू हैव टू करेक्ट इट योर सेल्फ इन द प्रोग्राम सिंटैक्स। इफ यू रिटर्न प्रोग्राम इज करेक्ट then the compiler will convert your entire source code into machine code. A compiler converts complete source code into machine code at once and finally your program get executes. अगर हिंदी की बात कर रहे हो कि compiler को कैसे define करेंगे, compiler एक software program है जो source code को machine code में बदलने के लिए programming language के syntax नियम का पालन करता है या किसी program में मौजूद होने पर किसी भी त्रुटि को ठीक नहीं कर सकता है या एक त्रुटि संदेश उत्पन्न करता है और आपको इसे प्रोग्राम के सिंटेक्स में स्वयं ठीक करना होगा। यदि आपकी लिखित कार्यक्रम सही, कार्यक्रम इन द सेंस प्रोग्राम सही है तो संकलक आपके संपूर्ण स्रोत कोड को मशीन कोड में बदल देगा। संकलक यानी कंपाइलर, एक कंपाइलर एक बार में पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देता है और अंत में आपका प्रोग्राम निष्पादित माने रन एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी ये एक पिक्चर अगर आप बना दोगे तो आपको और भी अच्छा मार्क्स मिल जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो अगर कोई क्वेश्चंस आपके सामने ऐसा आ रहा है जिसमें आप कोई ब्लॉक डायग्राम या ऐसा कुछ बना सकते हो तो अनिवार्य रूप से उसको बनाओ। तो यहाँ दिखाया गया है कि कंपाइलर का वर्क्स कैसे होता है। आपका सोर्स कोड है, कंपाइलर को आपने दिया, मशीन कोड में वो जनरेट होगा और आपका आउटपुट आएगा। अभी दिखाया गया कि आपका प्रोग्राम है, कंपाइलर को अगर एरर मिल गया तो पहले एरर मैसेज आ जाएगा, जब तक आप इस एरर को फिक्स नहीं कर देंगे खुद तब तक आपका मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट नहीं होगा और आपको आउटपुट भी नहीं दिखेगा। अभी इंटरप्रेटर की बात कर लेते हैं। एन इंटरप्रेटर इज आल्सो ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स ए सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। हाउएवर एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन व्हाइल इंटरप्रेटिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम। अगर आप इंटरप्रेटर को हिंदी में लिखने की बात कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर को हिंदी में दुभाषिया कहा गया है, तो यहाँ आप इंटरप्रेटर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी में देख रहे होंगे तो आपको बहुत शुद्ध शुद्ध हिंदी मिल रहे हैं, तो अगर कोई नाउन आया है तो उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे दुभाषिया है तो आप यहाँ इंटरनेट लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आया है तो आप इंग्लिश में भी सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। माने व्याकरण आपका हिंदी का होना चाहिए और हिंदी के जो शब्दकोश है वो हिंदी में होने चाहिए। तो देखिए, इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। हालांकि एक इंटरप्रेटर प्रोग्राम की व्याख्या और संचालन करते समय उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में लाइन बाय लाइन में परिवर्तित करता है। यहाँ इंटरप्रेटर का भी एक पिक्चर यहाँ दिखाने का काम किया गया है। अगर आपका प्रोग्राम है और इंटरप्रेटर को कोई गलती नहीं मिलता है तो आपको हर लाइन का आउटपुट वन बाय वन मिल जाएगा। सोर्स कोड आपका है, आपने इंटरप्रेटर को दिया, इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन कोड उतने का होगा जितना आपका कोड सही है और आपका फिर चला जाएगा आगे ऐसे करके साइकिल बनाते हुए एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके वो दिखाएगा। और अगर एरर होगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो आता है, वहीं पे आप रुक जाएंगे। अब असेंबलर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं, द असेंबलर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। इट टेक्स बेसिक कंप्यूटर कमांड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड दैट कंप्यूटर प्रोसेसर कैन यूज टू परफॉर्म इट्स बेसिक ऑपरेशन। दीज ऑपरेशंस आर असेंबलर लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हिंदी में अगर असेंबली लैंग्वेज को लिख रहे होंगे तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है या बेसिक कंप्यूटर कमांड लेता है और इन्हें बाइनरी कोड में बदल देता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर का प्रोसेसर अपने बेसिक ऑपरेशंस को करने के लिए करता है, कर सकता है। यह निर्देश असेंबलर भाषा का असेंबली भाषा है। तो ये हो जाता है। अब आपको देखिए, जो आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपको थोड़े नए फ्लेवर के मिलेंगे, कह सकते हैं कि जो नया रिवीजन 5 है उससे रिलेटेड है। अभी तक जो ऊपर आया है उसमें से आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर होंगे जो संभवतः जान रहे होंगे।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आपको अंतर लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और मालिकाना सॉफ्टवेयर, माने ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप खरीदते हो, मालिकाना सॉफ्टवेयर के बीच अंतर करें। तो सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इंग्लिश में डिफाइन किया गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल ओपनली इन इंटरनेट एंड प्रोग्रामर्स कैन मॉडिफाई इट टू ऐड न्यू फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज विदाउट एनी कास्ट। हेयर द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड थ्रू ओपन कोलोबरेशन। दिस सॉफ्टवेयर इज मैनेज बाई एन ओपन सोर्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। इट प्रोवाइड्स कम्युनिटी सपोर्ट एज वेल एज कमर्शियल सपोर्ट। इफ अवेलेबल फॉर मेंटेनेंस वी कैन गेट इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो समटाइम्स कम्स विथ लाइसेंस एंड समटाइम डज नॉट। द लाइसेंस प्रोवाइड सम राइट टू यूजर्स लाइक सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज, अलाउज द स्टडी हाउ सॉफ्टवेयर वर्क, फ्रीडम टू मोडिफाई एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स एंड्रॉयड, Ubuntu, Firefox, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, एट्रेक्सा। अब अगर आप हिंदी में लिख रहे हो ओपन सोर्स को, तो आप ऐसे कह सकते हो, लिख सकते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड इंटरनेट में खुले तौर पर उपलब्ध है और प्रोग्रामर इसे बिना किसी लागत के नई सुविधाओं और क्षमताओं को जोड़ने के लिए संशोधित कर सकता है। यह खुले सहयोग से सॉफ्टवेयर का विकास और परीक्षण किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपर के एक ओपन सोर्स समुदाय द्वारा प्रबंधित किया जाता है, रखरखाव के लिए उपलब्ध होने पर यह सामुदायिक सहायता के साथ साथ व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर कभी कभी लाइसेंस के साथ आता है और कभी कभी नहीं। यह लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया आ सकता है, या अध्ययन करने की अनुमति देता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कार्यक्रम में संशोधन और सुधार करने की स्वतंत्रता, पुनः वितरण पर कोई प्रतिबंध नहीं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में आप एंड्रॉयड, उबंटू, फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस जैसे चीजों को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को जिन्हें आप परचेज करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जितने प्रोडक्ट आते हैं इन्हें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेयर द सोर्स कोड्स आर नॉट पब्लिकली नॉट अवेलेबल, ओनली द कंपनी विच हैज क्रिएटेड कैन मॉडिफाई इट। हेयर द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड बाई द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बाई विच इट इज ओन्ड, नॉट बाई पब्लिक। दिस सॉफ्टवेयर इज मैनेज बाई एन क्लोज टीम ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स दैट डेवलप इट। वी हैव टू पे टू गेट दिस सॉफ्टवेयर एंड इट कॉमर्शियल सपोर्ट। इफ अवेलेबल फॉर मेंटेनेंस द कंपनी गिव्स ए वैलिड एंड ऑथेंटिकेटेड लाइसेंस टू द यूजर टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, बट दिस लाइसेंस पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजर ऑल्सो, लाइक नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इन टू कंप्यूटर, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इलीगली, टाइम पीरियड अप टू विच सॉफ्टवेयर विल ऑपरेट, नंबर ऑफ फीचर्स अलाउड टू यूज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड विंडोज, मैक ओएस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल अर्थ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एटसेट्रा। अब अगर आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ऐसा को लिख सकते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जहां सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, केवल कंपनी जिसने इसे बनाया है वह इसे संशोधित कर सकती है, या सॉफ्टवेयर का विकास और परीक्षण उस व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है जिसके स्वामित्व में या जनता के पास नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को इसे विकसित करने वाले व्यक्तियों या समूहों की एक बंद टीम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। रखरखाव के लिए उपलब्ध होने पर हमें इस सॉफ्टवेयर और इसे व्यावसायिक समर्थन प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। कंपनी उपयोगकर्ता को इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए एक वैध और प्रमाणित लाइसेंस देती है, लेकिन लाइसेंस ने यूजर्स पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के संस्थापक की संख्या, सॉफ्टवेयर को अवैध रूप से साझा करने पर प्रतिबंध, समावधि जिस तक सॉफ्टवेयर काम करेगा, उपयोग की जाने वाली सुविधाओं की संख्या। अगर आप मालिकाना सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरणों में
लिखना चाहते हैं तो विंडोज़, मैक ओएस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल अर्थ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आदि शामिल हैं। तो ये आपका हिंदी में ओपन सोर्स और मालकाना सॉफ्टवेयर के बारे में हो आता है। छठवां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें पूछा आ रहा है कि एक्सप्लेन बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी कार्यों की व्याख्या करने की बात हो रही है। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंग्लिश में लिख रहे हो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म ऑन विच ए यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन ए कन्वीनियंट एंड इफिशियंट मैनर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। द कोऑर्डिनेशन ऑफ द हार्डवेयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू इंश्योर द करेक्ट वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड टू प्रिवेंट यूजर प्रोग्राम्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सिस्टम। अभी हेडिंग है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है सिक्योरिटी। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड सिमिलर अदर टेक्निक। इट आल्सो प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड यूजर। दूसरा है फंक्शन कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। मॉनिटर्स ओवरऑल सिस्टम हेल्प टू हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस। रिकॉर्ड द रिस्पांस टाइम बिटवीन सर्विस रिक्वेस्ट एंड सिस्टम रिस्पांस टू हैविंग ए कंप्लीट व्यू ऑफ द सिस्टम हेल्थ। दिस कैन हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीडेड टू द ट्रबल शूट प्रॉब्लम। तीसरा है जॉब अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज बाय वेरियस टास्क एंड यूजर्स। दिस इंफॉर्मेशन कैन यूज टू ट्रैक रिसोर्स यूजेस फॉर ए पर्टिकुलर यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर। चौथा फंक्शन है एरर डिटेक्शन एड्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसंटेंटली मॉनिटर्स द सिस्टम टू डिटेक्ट एरर्स एंड अवॉइड द मालफंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। पांचवा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कोऑर्डिनेट एंड असाइन इंटरप्रेट्स कंपाइलर असेंबलर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगला है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज्ड द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज मेड अप लार्ज एरे ऑफ बाइट्स और वर्ड्स वेयर ईच बाइट और वर्ड इज सेइंग ए सर्टेन एड्रेस। मेन मेमोरी इज फास्ट स्टोरेज एंड इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। फॉर ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट शुड बी फर्स्ट लोडेड इन द मेन मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। इट कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट इज विच बाइट्स ऑफ मेमोरी आर यूज बाय विच यूजर प्रोग्राम। द मेमोरी एड्रेसेस दैट हैव already been allocated and the memory addresses of the memory that has not yet been used. In multi-programming, the operating system decides the order in which processes and granted access to memory and for how long it allocates the memory to the process which the process requests it and deallocates the memory when the process has terminated or is performing an input-output operation. सातवां आपका आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर एंड हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम ईच प्रोसेसेस हैज। दिस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेसेस शेड्यूलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस। द प्रोग्राम विच परफॉर्म दिस टास्क इज नोन एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर। Allocates the CPU that is a processor to a process, deallocates processor when a process is no more required. आठवां आपका आता है device management and operating system manages device communication via their respective drives. It perform the following activities for device management. Keep tracks of all devices connected to the system. Differentiate a program responsible for every device known as the input-output controller. Decides which processes gets access to a certain device and for how long. Allocates devices in a effective and efficient way. Deallocate devices with they are no longer required. File management की last इसका function बताया जा रहा है operating system का। A file system is organized into directories
For efficient or easy navigation and uses, these directories may contain other directories and other files. An operating system carries out the following files management activities. It keeps track of where information is stored, user access setting and status of every file, and more. These facilitates are collectively known as the file system. अब अगर आप हिंदी में लिख रहे हो इसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं. एक ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संचार सेतु के रूप में कार्य करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिस पर उपयोगकर्ता सुविधाजनक और कुशल तरीके से प्रोग्राम निष्पादित कर सके. एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के आवंटन का प्रबंध करता है. कंप्यूटर सिस्टम के सही कामकाज को सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ता प्रोग्राम को सिस्टम के उचित कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए हार्डवेयर का समन्वय उपयुक्त होता है. एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें नंबर एक की सुरक्षा. ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता डेटा और इसी तरह की अन्य तकनीकी की सुरक्षा के लिए पासवर्ड सुरक्षा का उपयोग करता है या प्रोग्राम और उपयोगकर्ता डेटा तक अनधिकृत पहुंच को भी रोकता है. दूसरा है सिस्टम के प्रदर्शन पर नियंत्रण. प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए संपूर्ण सिस्टम स्वास्थ्य पर नज़र रखता है. सेवा अनुरोधों और सिस्टम प्रतिक्रिया के बीच प्रतिक्रिया समय रिकॉर्ड करता है ताकि सिस्टम स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके या समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है. अगला है जॉब अकाउंटिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न कार्यों और उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले समय और संसाधनों का ट्रैक रखता है. इस जानकारी का उपयोग किसी विशेष उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं के समूह के लिए संसाधन उपयोग को ट्रैक करने के लिए किया जाता है. चौथा है एड्स का पता करना. एड्स का पता लगाने में त्रुटि. ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटियों का पता लगाने और कंप्यूटर सिस्टम की खराबी सोचने के लिए सिस्टम की लगातार निगरानी करता है. पांचवा है अन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए दुभाषीय कंपाइलरों असेंबलों और अन्य सॉफ्टवेयरों के समन्वय और असाइनमेंट पर भी करते हैं. छठा है स्मृति प्रबंधन. प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी को मैनेज करता है. मुख्य मेमोरी बाइट्स या शब्दों की एक बड़ी सारणी से बनी हुई है जहां प्रत्येक बाइट या शब्द को एक निश्चित पता सौंपा आता है. मुख्य मेमोरी फास्ट स्टोरेज है. इसे सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जा सकता है. किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए इसे पहले मुख्य मेमोरी में लोड किया जाना चाहिए. एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के प्रबंध के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है या प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखता है. यानी कि किस यूजर प्रोग्राम द्वारा मेमोरी के कौन से बाइट्स का उपयोग किया जाता है. स्मृति पते जो पहले से आवंटित किए जा चुके हैं और स्मृति के स्मृति पते जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है. मल्टी प्रोग्रामिंग में ओएस उस क्रम को तय करता है इससे प्रक्रिया को मेमोरी तक पहुंच प्रदान की जाती है और कितनी देर तक. जब प्रक्रिया अनुरोध करती है तो यह स्मृति को एक प्रक्रिया में आवंटित करता है और प्रक्रिया समाप्त होने पर स्मृति को हटा देता है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर करता है. सातवां है हमारा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसर प्रबंधन. एक बहु प्रोग्रामिंग वातावरण में ओएस उस क्रम को तय करता है जिसमें प्रक्रिया की प्रोसेसर तक पहुंच होती है और प्रत्येक प्रक्रिया में कितना प्रसंस्करण समय होता है. ओएस के इस फंक्शन को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है. एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है. प्रक्रियाओं की स्थिति पर नज़र रखता है. इस कार्य को करने वाले प्रोग्राम को ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना आता है. सीपीयू को आवंटित करता है जो एक प्रक्रिया के लिए एक प्रोसेसर है. जब किसी प्रकार की आवश्यकता पता नहीं होती है तो प्रोसेसर को डी आवंटित करता है. आठवां फंक्शन है डिवाइस प्रबंधन. एक ओएस अपने संबंधित ड्राइवरों के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंध करता है या डिवाइस प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है. सिस्टम से जुड़े सभी उपकरणों पर नजर रखता है. इनपुट आउटपुट नियंत्रण के रूप में ज्ञात प्रत्येक डिवाइस के लिए जिम्मेदार एक प्रोग्राम निर्दिष्ट करता है. तय करता है कि किस प्रक्रिया को एक निश्चित डिवाइस तक पहुँच प्राप्त होती है और कितने समय तक उपकरणों को एक प्रभावी और कुशल तरीके से आवंटित करता है. उपकरणों को तब हटा देता है जब उसकी आवश्यकता नहीं रहती है. नौवां आपका जो फंक्शन है फाइल प्रबंधन है. कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए एक फाइल सिस्टम को निर्देशिकाओं में व्यवस्थित किया जाता है. निर्देशिकाओं का मतलब डिक्शनरी होगा, फोल्डर. इन निर्देशिकाओं में
अन्य निर्देशिकाएं और अन्य फाइलें हो सकती हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित फाइल प्रबंधन गतिविधियों को अंजाम देता है या इस बात पर नजर रखता है कि जानकारी कहाँ संग्रहित है। उपयोगकर्ता पहुंच सेटिंग्स और प्रत्येक फाइल की स्थिति और बहुत कुछ इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से फाइल सिस्टम में के रूप में जाना आता है। तो ये आपका हो जाता है जो मैंने आपको छठे क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। अभी आपका और भी क्वेश्चन है तो अभी आप वीडियो में बने रहिए, आपको आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देखिए आपके सामने जो अगला क्वेश्चन आने वाला है ये लिनक्स से है। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लिनक्स एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। लिनक्स क्या है और इसकी विशेषता क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको इंग्लिश में भी आंसर दे रहा हूँ और सेम उसी को हिंदी में दे रहा हूँ, तो ये उन यूज़र के लिए भी बेनिफिट्स हो रहा है जो हिंदी में लिखने का प्लान कर रहे हैं और इंग्लिश में जो लिखेंगे उनके लिए भी बेनिफिट हो रहा है। तो आपको एक बहुत सॉफ्ट और आसान भाषा में इस चीज़ को समझाया जा रहा है। अभी आगे आ रहा है लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल, मैक ओएस, आईओएस, गूगल, एंड्रॉइड एटसेट्रा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लिनक्स इज अराउंड अस सिंस द मिड 90s। इट कैन बी यूज्ड फ्रॉम रिस्ट वॉचेस टू सुपर कंप्यूटर्स। इट इज एवरीवेयर इन आवर फोन्स, लैपटॉप, पीसीज, कार्स एंड इवन इन रेफ्रिजरेटर्स। इट इज वेरी मच फेमस एमंग डेवलपर्स एंड नॉर्मल कंप्यूटर यूजर्स। अभी अगर इसके फीचर्स की बात की जाए, लिनक्स की फीचर्स, मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। मल्टी यूजर कैन एक्सेस द सेम सिस्टम रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, हार्ड डिस्क एटसेट्रा, बट दे हैव टू यूज डिफरेंट टर्मिनल्स टू ऑपरेट। सेकेंड है मल्टी टास्किंग। मोर देन वन फंक्शन कैन बी परफॉर्म सिमुलसली, माने एक साथ, बाई डिवाइडिंग द सीपीयू टाइम इंटेलिजेंटली। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी डज नॉट मीन इट इज स्मॉलर इन फाइल साइज और कैन बी कैरीड इन पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इट मीन्स दैट इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में है आपका, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी इन थ्री वेज, नेमली ऑथेंटिकेटिंग बाई असाइनिंग पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी, ऑथराइजेशन बाई असाइनिंग परमिशन टू रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, एंड इनक्रप्शन कन्वर्ट फाइल इंटू अनरीडेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट है लाइव सी डी यूएसबी। ऑलमोस्ट ऑल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स लाइव सी डी यूएसबी सो दैट यूजर कैन रन ट्राई इट विदाउट इंस्टॉलिंग इट। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे एक्स विंडो सिस्टम बोलते हैं। लिनक्स इज कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू जीयूआई बेस्ड बाय इंस्टॉलिंग पैकेज। नेक्स्ट है सपोर्ट्स कस्टमाइज्ड कीबोर्ड एज इट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड, हेंस सपोर्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस कीबोर्ड्स एप्लीकेशन सपोर्ट। अगला है इसका फीचर, इट हैज इट्स ओन सॉफ्टवेयर रिस्पोसिटरी फ्रॉम वेयर यूजर कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल मेनी एप्लीकेशन। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम, प्रोवाइड हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन विच फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर अरेंज। नेक्स्ट और लास्ट है ओपन सोर्स, लिनक्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल एंड इज ए कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अभी लिनक्स को हिंदी में अगर लिखने का आप प्लान कर रहे हो, जैसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, लिनक्स अन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल, मैक ओएस, आईओएस, गूगल, एंड्रॉइड आदि की तरह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार को सक्षम बनाता है। 90 के दशक के मध्य से लिनक्स हमारे आसपास है। इसे कलाई घड़ी से लेके सुपर कंप्यूटर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे फ़ोन, लैपटॉप, पीसी, कारों और यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर में भी हर जगह है। यह डेवलपर्स और समान कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है। लिनक्स की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो पहला है बहु उपयोगिता क्षमता। एकाधिक उपयोगकर्ता एक ही सिस्टम संसाधनों जैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क आदि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए विभिन्न टर्मिनलों का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है मल्टी
टास्किंग सीपीयू समय को बुद्धिमानी से विभाजित करके एक से अधिक कार्य को एक साथ किया जा सकता है। अगला है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि ये फाइल के आकार में छोटा है या इसे पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में ले जाया सकता है, इसका मतलब कि विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर का समर्थन करता है। सुरक्षा, सुरक्षा यह तीन तरीकों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे प्रमाणीकरण, प्राधिकरण और इनक्रप्शन। अगला है लाइव सीडी यूएसबी। लगभग सभी लिनक्स डिस्ट्रो लाइव सीडी यूएसबी प्रदान करते हैं ताकि उपयोगकर्ता इसे बिना इंस्टॉल किए चला सकते हैं। अगला है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। लिनक्स कमांड लाइन आधारित ओएस है, लेकिन इसे पैकेज स्थापित करके जीयूआई में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है सपोर्ट का कस्टमाइज कीबोर्ड। जैसा कि यह दुनिया भर में उपयोग किया जाता है, इसलिए विभिन्न भाषाओं की कीबोर्ड का समर्थन करता है। अगला है एप्लीकेशन सपोर्ट। इसका अपना सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरी है जहां से उपयोगकर्ता कई एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला है फाइल सिस्टम। पदानुक्रमित फाइल सिस्टम प्रदान करता है जिसमें फाइलों और निर्देशिकाओं को व्यवस्थित किया सकता है। अगला है ओपन सोर्स। लिनक्स कोड सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यह एक समुदाय आधारित विकास परियोजना है। तो देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि आपके सामने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ वो है आपका एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी और शेल, ये तीन टर्म्स हैं लिनक्स के संदर्भ में, इन्हें एक्सप्लेन करना है। हिंदी में अगर एक क्वेश्चन आता है तो ऐसा कुछ होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करिए, जिसमें पहला है कर्नल, दूसरा है सिस्टम लाइब्रेरी, अगला है सेल। तो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है नंबर 8 करके है, और ऐसे ही मैंने 19 क्वेश्चन की डिस्ट्री तैयार की है, तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस पार्ट में मैं इन 7 क्वेश्चनों तक का आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको जस्ट कल एक फ्रेश नया वीडियो मिलेगा जिसमें मैं आगे के 8 से लेके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको मैं ऐसे सॉल्व करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने के लिए काम करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके ओ लेवल ए लेवल के पेपर का प्रिपरेशन कराने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका